वीडियो में आ रहा। क्या हो गया वीडियो को? आजकल वीडियो नहीं आ रहा यूट्यूब वाली क्लास में, टाइनी डेस्क का डिटेल हो नहीं, वो चल रहा है, ओबीएस चल रहा है, वीडियो वाली स्क्रीन नहीं आ रही। बस टाइनी डेस्क 745 745 7222 365। डिलीट कर, इससे क्या होगा? हाँ वो नीचे कर देता हूँ। ठीक है ठीक है, ओके ओके।
करके वापस ऑन कर देते हैं। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सबके लिए? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट हाइड्रोमीटर मेथड। तो हम डिस्कस कर रहे थे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस की। दो स्टेज में होती है, सीव एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सीव एनालिसिस कर लिया था, हम बात कर रहे हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस की। ये दो तरीके से की जा सकती है, एक था पिपेट मेथड, दूसरा था हाइड्रोमीटर मेथड। पिपेट मेथड हमने कंप्लीट कर लिया, हम बात कर रहे थे हाइड्रोमीटर मेथड की। हाइड्रोमीटर मेथड में भी आपको बेसिक जानकारी दे दी हाइड्रोमीटर क्या होता है। हाइड्रोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी ऑफ द सस्पेंशन। हमारा सस्पेंशन अभी सॉइल सस्पेंशन है। दूसरी जानकारी दी थी कि हाइड्रोमीटर की जो स्टेम होती है उसके भी जो स्केल बनी होती है, इट इंक्रीजेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अनलाइक नॉर्मल स्केल जो इंक्रीज करती है अपर डायरेक्शन में। दूसरी जानकारी दी थी कि हाइड्रोमीटर के बॉटम पे हार्ड मेटल होता है जिसका पर्पस होता है हाइड्रोमीटर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। तीसरी जानकारी दी थी कि हाइड्रोमीटर के बल्ब के सेंटर के नीचे जो वॉल्यूम होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर होता है। फिर ये भी जानकारी दी थी आपको कि जो हाइड्रोमीटर के ऊपर रीडिंग मिलेगी वो आपको डेंसिटी नहीं बताएगी। हाइड्रोमीटर के ऊपर रीडिंग हम रिड्यूस्ड रीडिंग लिखते हैं, तो वी डोंट मार्क द डेंसिटी ऑफ द सस्पेंशन ओवर द स्टेम ऑफ द हाइड्रोमीटर, वी मार्क रिड्यूस्ड हाइड्रोमीटर रीडिंग। फायदा क्या होता है, इससे रीडिंग पढ़ने में हमें आसानी होती है। इट इज कंपैरेटिवली इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड दी रीडिंग विच इज मार्क्ड ओवर द हाइड्रोमीटर इन रिड्यूस्ड फॉर्म। तो हम डेंसिटी नहीं मार्क करके रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग को मार्क करते हैं। यहां तक की डिस्कशन मैंने कल वाली क्लास में कर ली थी। अप टिल हियर द डिस्कशन वाज बीइंग डन इन द लास्ट क्लास। कोई सा पॉइंट रीड करना है इसमें से? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड ऑन दिस फॉर एनीवन? आगे बढ़े हाइड्रोमीटर में। तो ये यूट्यूब में लैग बहुत आता है। Should we proceed forward? चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसी के कंटिन्यूएशन में है, कल जहाँ पे हमने अपनी कहानी को रोका था उसके आगे बढ़ा रहे हैं पूरी कहानी को। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सो नेक्स्ट पॉइंट सेज व्हाट? नेक्स्ट पॉइंट सेज, तो उसी के कंटिन्यूएशन में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? सो नेक्स्ट पॉइंट सेज, सो नेक्स्ट पॉइंट सेज प्रिंसिपल। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? लाइन कल कैसे आ रही थी मोटी वाली? चलो जैसे भी है। Next point says the principle. So next point says the principle of test. The principle of test in pipette and hydrometer method. The principle of test in pipette and hydrometer method is same. Hydrometer method is same. ये तो same है, but they are different. But they are different in following ways. तो जो प्रिंसिपल है टेस्ट का पिपेट मेथड में और हाइड्रोमीटर मेथड में एग्जैक्टली सेम चलता है, पर इन दोनों में फर्क होता है। अब क्या फर्क होता है उसको देखते हैं, देन वील कैरी फॉरवर्ड। पहला फर्क ये है कि मास ऑफ सॉलिड्स, तो मास ऑफ सॉलिड्स प्रेजेंट एट डेप्थ, so mass of solids present at depth he at time t is computed directly in pipette method by oven drying method, but in case of
हाइड्रोमीटर मेथड, बट इन केस ऑफ हाइड्रोमीटर मेथड इट इज फाउंड इनडायरेक्टली, बट इन केस ऑफ हाइड्रोमीटर मेथड इट इज फाउंड इनडायरेक्टली, हाइड्रोमीटर मेथड इट इज फाउंड इनडायरेक्टली, इट इज फाउंड इनडायरेक्टली, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस इनडायरेक्टली कैसे है वो खुद ही बता देता हूँ। दूसरा मेथड इन पिपेट मेथड, तो दूसरा डिफरेंस है इन पिपेट मेथड। सेकेंड पॉइंट इज इन पिपेट मेथड सैम्पलिंग डेप्थ इज फिक्स्ड, सैम्पलिंग डेप्थ एच ई इज फिक्स्ड, तो ये चीज तो फिक्स है, कितनी थी कल आपको बताई थी 10 सेंटीमीटर। बट इन हाइड्रोमीटर मेथड, सो बट इन हाइड्रोमीटर मेथड, बट इन हाइड्रोमीटर मेथड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, ये टाइम के साथ बढ़ती चली जाएगी, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, तो ये टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, हेंस इसीलिए हेंस हेंस हाइड्रोमीटर, हेंस हाइड्रोमीटर एंड सेडिमेंटेशन जार, हेंस हाइड्रोमीटर एंड सेडिमेंटेशन जार इज टू बी कैलिब्रेटेड, जार इज टू बी कैलिब्रेटेड, इज टू बी कैलिब्रेटेड प्रायर टू एवरी टेस्ट, जब भी आप टेस्ट करोगे आप इसकी कैलिब्रेशन करोगे। चलो अब देखो पूरी कहानी क्या लिखी है, रेफर द एंटायर स्टोरी। तो ये स्टेटमेंट बोल रही है पहली कि जो प्रिंसिपल है हमारे टेस्ट का वो पिपेट मेथड में और हाइड्रोमीटर मेथड में एग्जैक्टली सेम है, बस कुछ फर्क है। जैसे हमारा प्रिंसिपल क्या था, हम पहले प्री ट्रीटमेंट करते हैं, सस्पेंशन बनाते हैं एग्जैक्टली सेम तरीके से, बस क्वांटिटी अलग अलग होती है, पोस्ट ट्रीटमेंट भी करते हैं, और इस टेस्ट के अंदर भी प्रिंसिपल सेम है। एम क्या है हमारा, परसेंटेज फाइनल निकालना और करस्पॉन्डिंग साइज निकालना पार्टिकल की। तो ये हमारा बेसिक एम है, हमने सीव एनालिसिस में भी यही किया था, हमने पिपेट मेथड में भी यही किया, हम हाइड्रोमीटर मेथड में भी यही करेंगे। तो दोनों का प्रिंसिपल सेम निकल के आता है, जो पिपेट मेथड का प्रिंसिपल है वही हाइड्रोमीटर मेथड का प्रिंसिपल है। फर्क कहाँ है इसके अंदर, पहला फर्क जो मास ऑफ द सॉलिड प्रेजेंट इन अवर सैंपल, द मास ऑफ द सॉलिड प्रेजेंट इन अवर सैंपल एट एनी सैंपलिंग डेप्थ एच ई एट टाइम टी इन पिपेट मेथड वाज फाउंड डायरेक्टली बाय वंडरिंग मेथड। तो पिपेट मेथड में हमने क्या किया था, पिपेट को इंसर्ट किया था हमारे सस्पेंशन के अंदर, जैसे ही हमने इसको इंसर्ट किया था सस्पेंशन के अंदर, पिपेट से हमने सैंपल बाहर निकाला था, उस सैंपल को हमने ओवन ड्राइंग मेथड से टेस्ट किया था और मास ऑफ सॉलिड कैलकुलेट कर लिए थे। तो ये डायरेक्ट तरीका है मास ऑफ सॉलिड को निकालने का, पर हाइड्रोमीटर मेथड में हम ये मास ऑफ सॉलिड डायरेक्टली नहीं निकालते हैं, तो यहाँ डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है, यहाँ पर निकालते हैं इसको इनडायरेक्टली, कैसे निकालते हैं इनडायरेक्टली, बाय मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ द सस्पेंशन। तो हाइड्रोमीटर मेथड में मास ऑफ द सॉलिड प्रेजेंट इन अवर सैंपल एट सैंपलिंग डेप्थ एच ई एट टाइम टी इज फाउंड इनडायरेक्टली बाय नोटिंग द डेंसिटी ऑफ द सस्पेंशन, कैसे ये तरीका भी मैं आगे बताऊंगा आपको, पर ये भी एक जानकारी दे दी कि पिपेट मेथड में ये मास ऑफ सॉलिड जो था डायरेक्टली निकाला था, यहां पर इसको इनडायरेक्टली निकाला जाता है बाय नोटिंग द डेंसिटी ऑफ द सस्पेंशन। तो पहला डिफरेंस तो ये निकल के आ गया। दूसरा डिफरेंस, पिपेट मेथड में हमारी सैंपलिंग डेप्थ फिक्स थी, कितनी 10 सेंटीमीटर की, क्योंकि पिपेट मेथड में पिपेट हम इंसर्ट कर रहे थे और हम कंट्रोल कर रहे थे उसकी सैंपलिंग डेप्थ को, वो फीचर्स फिक्स थी टाइम के साथ, वो चेंज नहीं हो रही थी। पर हाइड्रोमीटर मेथड में सैंपलिंग डेप्थ चेंज होती जाएगी, और ऑब्वियस है क्यों, क्योंकि टाइम के साथ कल डिस्कस किया था हमारे सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा सस्पेंडेड सॉलिड सेटल करते जाएंगे तो हमारा जो सस्पेंशन है उसकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी या कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारा जो सस्पेंशन है उसकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी या कम होती चली जाएगी, इट्स डेंसिटी विल कीप ऑन रिड्यूसिंग। तो हमारे हाइड्रोमीटर में छोटी रीडिंग कहाँ होती है, हमारे हाइड्रोमीटर में छोटी रीडिंग कहाँ होती है, ऊपर होती है नीचे होती है, हमारे हाइड्रोमीटर में छोटी रीडिंग कहाँ होती है, ऊपर होती है नीचे होती है। इन अवर हाइड्रोमीटर स्मॉलर रीडिंग विल बी एट द टॉप ऑफ द स्टेम और बॉटम ऑफ द स्टेम, ऊपर होती है। तो अगर हमारी छोटी रीडिंग टॉप पर है, ये छोटी रीडिंग कब मिलेगी, जब हाइड्रोमीटर ज्यादा डेप्थ तक इंसर्ट हो जाएगा या कम डेप्थ तक इंसर्ट होगा। तो आपको छोटी रीडिंग जो ऊपर होती है ये कब मिलेगी, जब हाइड्रोमीटर ज्यादा डेप्थ तक इंसर्ट हो जाएगा या कम डेप्थ तक इंसर्ट होगा। तो छोटी रीडिंग जो ऊपर होती है ये कब मिलेगी, जब हाइड्रोमीटर ज्यादा डेप्थ तक इंसर्ट हो जाएगा। इसका मतलब टाइम के साथ सैंपलिंग डेप्थ क्या होती चली जाएगी, इसका मतलब टाइम के साथ हमारे हाइड्रोमीटर मेथड में सैंपलिंग डेप्थ बढ़ती चली जाएगी। तो यहां फिक्स नहीं है हमारी सैंपलिंग डेप्थ, यहां सैंपलिंग डेप्थ इंक्रीज कर रही है। क्लियर है पूरी कहानी।
रिपीट करना है इसमें से कुछ भी। अब क्योंकि यहाँ पे सैंपलिंग डेप्थ फिक्स नहीं है, आपको हाइड्रोमीटर की कैलिब्रेशन करनी पड़ती है सेडिमेंटेशन जार के साथ प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी टेस्ट। जब भी आप टेस्ट परफॉर्म करोगे आपको हाइड्रोमीटर को कैलिब्रेट कराना पड़ जाएगा अपने सेडिमेंटेशन जार के साथ, इसलिए रिक्वायरमेंट पड़ती है हाइड्रोमीटर के कैलिब्रेशन की। हेंस देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू कैरी आउट द कैलिब्रेशन ऑफ एंड सेडिमेंटेशन जार। क्लियर है यहां तक की कहानी? अभी करना है इसमें से कुछ भी अब? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से किसी के लिए? अब कहानी किसके ऊपर आगे रुकी? अब कहानी आगे रुकी कि हम कैलिब्रेशन कैसे करें हाइड्रोमीटर की सेडिमेंटेशन जार के साथ। हाउ टू डू द कैलिब्रेशन ऑफ द हाइड्रोमीटर विद दैट ऑफ द सेडिमेंटेशन जार। तो कैसे करते हैं कैलिब्रेशन, अब उसकी डिस्कशन करते हैं। हाउ टू कैरी आउट द कैलिब्रेशन, दैट बिकम्स द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो लेट अस सपोज इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी रेगुलर ज्योमेट्री की। फॉर दैट आई विल रिक्वायर दी, बेटा देखो एक चीज आपकी छूट गई आज, आज मेनिस्कस करेक्शन नहीं बताऊंगा मैं आपको। आई विल नॉट डिस्कस मेनिस्कस करेक्शन। तो पिछली क्लास में बोला था जो चीज बल्कि बोलोगे टॉपिक आने से पहले वो चीज बताऊंगा ही नहीं। तो मेनिस्कस करेक्शन अब आपको खुद ही करना पड़ेगा। यू हैव टू डिस्कस द मेनिस्कस करेक्शन ऑन योर ओन। सो ये हमारा सेडिमेंटेशन जार है, दिस इज अवर सेडिमेंटेशन जार। सो दिस इज अवर सेडिमेंटेशन जार। सो दिस इज अवर सेडिमेंटेशन जार। इसकी कैलिब्रेशन समझनी है हमें, इट्स कैलिब्रेशन इज टू बी अंडरस्टूड। अब क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्री है इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली पिक्चर में से निकाल लिया बाहर। अभी भी दोनों सेम डायमेंशन के दिख रहे हैं क्या? चलो थोड़ी बहुत फर्क है उसको आप एडजस्ट कर लोगे, तो दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हमें डिस्कस करना है कैलिब्रेशन ऑफ हाइड्रोमीटर विद दैट ऑफ द सेडिमेंटेशन जार। अब कैलिब्रेशन कैसे की जाती है अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। स्केल आ गई, स्केल देखते हैं। लेट सपोज ये हमारी स्केल है। सो दिस इज अवर स्केल। तो ये हमारी स्केल है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, दिस इज स्ट्रेट लाइन। क्या कर रही है? सर बाकी कोचिंग वाले सब कुछ शुद्ध बहा देंगे। सर क्या शुद्ध बहा देंगे? क्या होता है शुद्ध बहा देंगे? सो ए ए बी बी। सो ये हमारा ए ए बी बी बना। सो ए ए बी बी बना, दिस इज द एरिया ऑफ द सेडिमेंटेशन जार। ये हमारा एरिया सेडिमेंटेशन जार। नेक्स्ट 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 इसको अब हाईलाइट करके बताना है। दिस इज टू बी हाईलाइटेड। इसको हाईलाइट करके बताना है तो इसको इरेजर से रब कर दिया। सो इट इज रिमूव विद द इरेजर। तो ये ए ए बी बी। चलो यहाँ तक की कहानी सेम है। चलिए देखिए पूरी कहानी क्या है। तो हमारा एम है मुझे हाइड्रोमीटर को कैलिब्रेट कराना है सेडिमेंटेशन जार के साथ। तो मैंने आपको सेडिमेंटेशन जार बना रखा है, आई हैव शोन द सेडिमेंटेशन जार हियर। सो लेट अस सपोज किसी भी गिवन टाइम टी पे हमारी सैंपलिंग डेप्थ है एच ई। तो किसी भी गिवन टाइम टी पे हमारी सैंपलिंग डेप्थ है एच ई। सो एट एनी टाइम टी आवर सैंपलिंग डेप्थ इज एच ई। ये कहानी मैं भी आपको थ्योरेटिकली करके बता रहा हूँ, आई एम डिस्कसिंग दिस प्रोसेस थ्योरेटिकली। सो एट एनी टाइम टी आवर सैंपलिंग डेप्थ इज एच ई। फिर हमने क्या किया, हमने इस सेडिमेंटेशन जार के अंदर हाइड्रोमीटर को इंसर्ट कर दिया। इन दिस सेडिमेंटेशन जार आई हैव इंसर्टेड द हाइड्रोमीटर। अब हाइड्रोमीटर देखने में कैसे लगता है वो आपको अलग से बता रखा है। ये तो रेगुलर फिगर है, तो रेगुलर फिगर मैंने डायरेक्टली बाहर निकाल दिए, वो मेरे को फ्री हैंड से बनाना पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाएगा डायग्राम, तो उससे मैनेज कर लेना। सो जब हमारी हाइड्रोमीटर की एनालिसिस हुई, मैंने हाइड्रोमीटर को इंसर्ट किया। आई हैव इंसर्टेड द हाइड्रोमीटर इन द सेडिमेंटेशन जार। तो हाइड्रोमीटर कुछ ऐसा ही होता है। तो ये स्टेम है उसके हाइड्रोमीटर की, दिस इज द स्टेम ऑफ द हाइड्रोमीटर। तो ये स्टेम चली हाइड्रोमीटर की। सो हाइड्रोमीटर की स्टेम चली, हाइड्रोमीटर की स्टेम चली। सो हाइड्रोमीटर, दिस इज द हाइड्रोमीटर। फिर उसकी बल्ब आ गई, फिर उसकी बल्ब आ गई। नाउ द बल्ब ऑफ द हाइड्रोमीटर, ये हमारी बल्ब है हाइड्रोमीटर की। ये इसके नीचे हैवी मेटल होता है, दिस इज द हैवी मेटल।
ये सेंटर है हमारे हाइड्रोमीटर का, दिस इज द सेंटर ऑफ द हाइड्रोमीटर। तो ये सेंट्रोमीटर है, सेंटर है हमारे हाइड्रोमीटर का। तो पानी का लेवल राइज कर गया, पानी का लेवल राइज कर गया, पानी का लेवल राइज किया। क्यों? एज पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी में इमर्स करोगे वो ऑब्जेक्ट जाके पानी को डिस्प्लेस कर देगा जितना वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का खुद का होगा, जितना वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का खुद का होगा। तो ये हमारा पानी का लेवल डिस्प्लेस हो गया, ये हमारे पानी का लेवल डिस्प्लेस हुआ। तो डिस्प्लेस होने के बाद जो लेवल बना पानी का वो है हमारा ए डैश ए डैश बी डैश बी डैश। ए बी हमारी सैम्पलिंग डेप्थ है, ए बी इज अवर सैम्पलिंग डेप्थ। मैं दोबारा मार्क कर देता हूँ। सो ए बी हमारी सैम्पलिंग डेप्थ है, अगेन आई एम मार्किंग दिस। स्ट्रेट लाइन से जाइए मुझे, तो स्ट्रेट लाइन से जाइए, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो ए बी हमारी सैम्पलिंग डेप्थ है एच ई, तो ए बी हमारी सैम्पलिंग डेप्थ है एच ई। अब जो भी जानकारी मैं आपसे मांगूंगा वो जानकारी आप दोगे मुझे, यू विल गिव द इन्फॉर्मेशन। तो आप मुझे इन्फॉर्मेशन दोगे, चलिए क्या इन्फॉर्मेशन है। हाइड्रोमीटर के बल्ब के नीचे उसका वॉल्यूम कितना होता है, हाइड्रोमीटर के बल्ब के नीचे उसका वॉल्यूम कितना होता है, व्हाट द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोमीटर बिलो इट्स बल्ब, व्हाट द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोमीटर बिलो इट्स बल्ब। हाइड्रोमीटर के सेंटर के नीचे, हाइड्रोमीटर के बल्ब के सेंटर के नीचे उसका वॉल्यूम कितना होता है, 50% होता है। सो हाइड्रोमीटर के बल्ब के सेंटर के नीचे उसका वॉल्यूम होता है 50%। चलो बिल्कुल सही बात है। तो मुझे ये बताओ कि हाँ 50% होता है, हाफ ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो मुझे बताओ हाइड्रोमीटर के बल्ब के नीचे वाला पोर्शन कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा पानी का, हाइड्रोमीटर के बल्ब के नीचे वाला पोर्शन कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा पानी का, हाइड्रोमीटर के बल्ब के नीचे वाला पोर्शन, बल्ब के सेंटर के नीचे वाला पोर्शन कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा पानी का, 50% पानी डिस्प्लेस करेगा। तो 50% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर इज डिस्प्लेस्ड बिलो द सेंटर ऑफ द बल्ब। क्लियर है चीज? चलो बिल्कुल सही बात है। अगर एरिया हमारा ए है सेडिमेंटेशन जार का, एरिया हमारा ए है सेडिमेंटेशन जार का, और ये हाइड्रोमीटर के एरिया के सामने बहुत बड़ा है, तो मुझे ये बताओ पानी का लेवल कितना डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज वी एच बाय टू, सो हाउ मच ऑफ द हाइट विल बी डिस्प्लेस्ड। अगर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर, हाउ मच ऑफ द हाइट विल बी डिस्प्लेस्ड। हाइट कितनी डिस्प्लेस हो जाएगी। इफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोमीटर, हाउ मच ऑफ द हाइट विल बी डिस्प्लेस्ड, इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया। तो जो पानी डिस्प्लेस हुआ उसका वॉल्यूम है हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर, मैंने इसको सेडिमेंटेशन जार के एरिया से डिवाइड कर दिया, मुझे हाइट मिल गई। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जो निकल के आई ये है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर डिवाइड बाय टू टाइम्स ऑफ एरिया। सो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर डिवाइड्स बाय टू टाइम्स ऑफ एरिया इज दी हाइट डिस्प्लेस्ड। क्लियर है चीज? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उस पर किसी के लिए, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनी, कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो किसी के लिए इसमें से। क्लियर यहां तक की स्टोरी? तो जो हमारा नीचे वाला लेवल है सैंपलिंग डेप्थ का बीबी, वो कितना डिस्प्लेस हो गया, वो वी एच बाय टू ए ऊपर चला गया। क्लियर यहां तक की कहानी? चलिए हाइड्रोमीटर के बल्ब के सेंटर के ऊपर, हाइड्रोमीटर के बल्ब के सेंटर के ऊपर बल्ब की कितनी हाइट है, हाइड्रोमीटर के बल्ब, एरिया ऑफ बल्ब नहीं है बेटा, एरिया ऑफ सेडिमेंटेशन जार है, पानी डिस्प्लेस हुआ है सेडिमेंटेशन जार के अंदर, बल्ब के अंदर डिस्प्लेस नहीं हुआ है अभिषेक। हाइड्रोमीटर के बल्ब के सेंटर के ऊपर, हाइड्रोमीटर के बल्ब के सेंटर के ऊपर उसकी हाइट कितनी है, हाइड्रोमीटर के बल्ब के सेंटर के ऊपर उसकी हाइट कितनी है, हाफ ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बल्ब। तो हाइड्रोमीटर के बल्ब के सेंटर के ऊपर उसकी हाइट कितनी है, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द बल्ब। तो ये हमारी वैल्यू है एच बाय टू, वेयर एच इज वॉट, वेयर एच इज द हाइट ऑफ द बल्ब। यहाँ पे एच क्या है, बल्ब की हाइट है, तो एच हमारे टोटल बल्ब की हाइट है, तो मैंने लिख दिया एच इज द हाइट ऑफ बल्ब। तो हाइट ऑफ बल्ब, क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस, एच प्लस एच बाय टू कहाँ लिख रहे हो कुछ भी। सो हाइड्रोमीटर के बल्ब के ऊपर बल्ब की हाइट कितनी है, एच बाय टू ही है, ये चीज पूछी मैंने आपसे। तो हाइड्रोमीटर के बल्ब के सेंटर के ऊपर बल्ब की हाइट कितनी है, एच बाय टू है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टोटल वॉल्यूम है हाइड्रोमीटर का, हमारा जो टोटल वॉल्यूम है हाइड्रोमीटर का, वो सेडिमेंटेशन जार में टोटल कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा पानी का,
हमारा जो टोटल वॉल्यूम है हाइड्रोमीटर का, वो सेडिमेंटेशन जार के अंदर टोटल कितना पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा? हमारा जो टोटल वॉल्यूम है हाइड्रोमीटर का, वो सेडिमेंटेशन जार के अंदर पानी का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा? व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द हाइड्रोमीटर इन सेडिमेंटेशन जार? इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बल्ब। हाइड्रोमीटर पानी के अंदर जाके कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा पानी का? खुद के वॉल्यूम के बराबर, इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम। तो कितना लेवल डिस्प्लेस हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है प्रिंस, बिल्कुल सही बात है पीटर फॉरेस्ट, बिल्कुल सही बात है डीके के, इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम। तो लेवल कितनी डिस्प्लेस हो जाएगी? तो लेवल डिस्प्लेस हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोमीटर डिवाइड बाय द एरिया ऑफ सेडिमेंटेशन जार। तो हमारा जो फाइनल लेवल होगा ए ए, वो डिस्प्लेस होके कहां जाएगा? ए डैश पे आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल लेवल होगा ए ए, ये डिस्प्लेस होके कहां जाएगा? ए डैश पे आ जाएगा। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? तो हमारा जो टोटल पानी डिस्प्लेस हुआ, इट विल बी इक्वल टू वी एच बाई ए, वेयर वी एच इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोमीटर। तो आपकी जो रीडिंग मिलेगी वो कहां मिलेगी? ए डैश के करस्पॉन्डिंग मिलेगी। आपकी जो रीडिंग मिलेगी वो हमारे ए डैश के करस्पॉन्डिंग मिलेगी। क्लियर है चीज? नाउ हमारी रीडिंग बल्ब से कितनी दूरी पे है? हमारी रीडिंग बल्ब से कितनी दूरी पे है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। हमारी रीडिंग बल्ब से दूरी पे है, लेट अस सपोज कैपिटल एच। तो डिस्टेंस ऑफ द रीडिंग फ्रॉम द बल्ब इज इक्वल टू कैपिटल एच। जो डिस्टेंस है हमारे, तो डिस्टेंस है हमारे रीडिंग की फ्रॉम द बल्ब, इट इज इक्वल टू कैपिटल एच। तो जो दूरी है हमारे रीडिंग की, ये हमारी रीडिंग है, तो मैंने रीडिंग को मार्क किया हुआ है यहाँ पे बल्ब से, इट इज इक्वल टू कैपिटल एच। तो मैंने सारे पैरामीटर्स का आपको मतलब बता दिया है। एच ई हमारी सैम्पलिंग डेप्थ है, स्मॉल एच हमारे बल्ब की हाइट है, कैपिटल एच हमारी रीडिंग की दूरी है फ्रॉम द नेक ऑफ द बल्ब, वी एच वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर है, और एरिया हमारा ए है सेडिमेंटेशन जार का। अब मुझे ये बताओ, आप डायग्राम देख के, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, यू कैन सी द डायग्राम, मुझे ये बताओ सैम्पलिंग डेप्थ एच ई कितनी होगी? आई हैव टू रेफर सैम्पलिंग डेप्थ एच ई। तो अगर मुझे सैम्पलिंग डेप्थ एच ई निकालनी है, आई हैव टू कैलकुलेट सैम्पलिंग डेप्थ एच ई, इट इज इक्वल टू व्हाट? मैं बोल सकता हूं सैम्पलिंग डेप्थ एच ई इज इक्वल टू बीबी डैश। तो सैम्पलिंग डेप्थ एच ई इज इक्वल टू बीबी डैश। बीबी डैश की वैल्यू कितनी है? सैम्पलिंग डेप्थ एच ई इज इक्वल टू बीबी डैश। बीबी डैश की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीबी डैश? इट इज इक्वल टू वी एच बाय टू ए प्लस बीबी डैश से बल्ब के नेक तक की दूरी। बीबी डैश से बल्ब के नेक तक की दूरी, बल्ब के नेक तक की दूरी है एच बाय टू। तो बल्ब के नेक तक की दूरी है एच बाय टू। तो बल्ब के नेक तक की दूरी डाल दी एच बाय टू। फिर बल्ब के नेक से हमारा जो रीडिंग है वो कितनी दूरी पे है? बल्ब के नेक से हमारी जो रीडिंग है वो कितनी दूरी पे है, यानी ए डैश कितनी दूरी पे है? कैपिटल एच दूरी पे है। पर मुझे ए तक का लेवल निकालना था, सैम्पलिंग डेप्थ ए और बीबी के बीच की दूरी है, इसमें से क्या घटा दो? इसमें से आप ए और ए डैश के बीच की दूरी घटा दो। ए और ए डैश के बीच की दूरी घटा दी, वी एच बाय ए घटा दिया, ये हमारी होगी सैम्पलिंग डेप्थ एच ई। तो किसी भी टाइम टी पे हमारी सैम्पलिंग डेप्थ को हमने रिलेट कर दिया सेडिमेंटेशन जार और हाइड्रोमीटर के पैरामीटर के साथ। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करूं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ये क्या निकल के आती है? इट कम्स आउट टू बी एच प्लस हाफ हाफ ऑफ स्मॉल एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर डिवाइड बाय एरिया, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर डिवाइड बाय एरिया। चलिए अब उसमें से ये बताइए, इसमें से कौन कौन से पैरामीटर कॉन्स्टेंट है? अब मुझे ये बताइए इसमें से कौन कौन से पैरामीटर कॉन्स्टेंट है? अब मुझे ये जानकारी दे दीजिए इसमें से कौन कौन से पैरामीटर कॉन्स्टेंट है, जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो बताते जाओ। क्या स्मॉल एच कॉन्स्टेंट है? इज स्मॉल एच कॉन्स्टेंट और नॉट? इस इक्वेशन में स्मॉल एच कॉन्स्टेंट है या नहीं है? इन दिस इक्वेशन स्मॉल एच इज कॉन्स्टेंट और नॉट? तो स्मॉल एच की वैल्यू कॉन्स्टेंट है। क्लियर है? क्या वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर कॉन्स्टेंट है? इस वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर कॉन्स्टेंट? क्या वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर कॉन्स्टेंट है? इसमें वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर भी कॉन्स्टेंट है। क्या एरिया ऑफ सेडिमेंटेशन जार कॉन्स्टेंट है? इस एरिया ऑफ सेडिमेंटेशन जार कॉन्स्टेंट? यस इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो वेरिएबल क्या बचा? वेरिएबल बचा हमारे रीडिंग की दूरी फ्रॉम द नेक ऑफ द बल्ब एंड सैंपलिंग डेप्थ एच ई। सो द ओनली वेरिएबल लेफ्ट इज सैंपलिंग डेप्थ एच ई एंड द रीडिंग ऑफ व्हाट?
रीडिंग ऑफ अवर हाइड्रोमीटर फ्रॉम द नेक ऑफ द बल्ब. इसका मतलब मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, एच ई इज इक्वल टू एच प्लस सम कॉन्स्टेंट सी प्लस कम्स कॉन्स्टेंट सी. क्लियर इस चीज, रिपीट करना है इसमें से कुछ. चलो मुझे ये बताओ, नाउ गिव मी अ रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग, गिव मी अ रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग ऑफ द हाइड्रोमीटर फ्रॉम द नेक ऑफ द बल्ब एंड रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग. जैसे जैसे कैपिटल एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी, रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? जैसे जैसे कैपिटल एच की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यानी कैपिटल एच ऊपर जाता जाएगा, तो रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? जैसे जैसे हमारे कैपिटल एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग बढ़ती जाएगी या कम होती चली जाएगी? अभिषेक तिवारी, हर चीज उल्टी बोल रहे हो आज तो. ये देखो दूसरा भी आगे कुशल दवे, और सबसे पहले इनको डाउट होता है हर चीज के अंदर. अरे छोटी रीडिंग होती है ना ऊपर, तो जब कैपिटल एच बढ़ेगा ऊपर जा रहे हो, ऊपर कौन सी रीडिंग होती है? बढ़ेगी. बहुत बढ़िया. अरे हाइड्रोमीटर में ऊपर जाने पे रीडिंग क्या होती है? कम होती है. नीचे जाने पे रीडिंग बढ़ती है. तो अगर कैपिटल एच बढ़ रहा है इसका मतलब आप ऊपर जा रहे हो. अगर आप ऊपर जा रहे हो इसका मतलब रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग क्या होती चली जाएगी? छोटी होती चली जाएगी. स्मॉलर रीडिंग मिलेगी आपको. हाइड्रोमीटर में बड़ी रीडिंग नीचे होती है, छोटी रीडिंग ऊपर होती है. इसका मतलब जैसे जैसे एच बढ़ेगा वैसे वैसे रीडिंग क्या होती चली जाएगी? छोटी चली जाती है. इसका मतलब ये है कि हमारा जो एच है ये इनवर्सली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग के ऊपर. क्लियर है चीज? तो हमारा जो एच है ये इनवर्सली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग के ऊपर. क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, फॉर एवरी रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग, हर एक रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग के लिए क्या निकाल लेंगे? फॉर एवरी रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एच. मेरे को हर एक रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग के लिए किसकी वैल्यू पता है? कैपिटल एच की वैल्यू पता है. इसका मतलब सैंपलिंग डेप्थ एच ई बी, इसका मतलब सैंपलिंग डेप्थ एच ई बी किसका फंक्शन बन गया? रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग का फंक्शन बन गया. तो अगर आप आर एच की वैल्यू के लिए कैपिटल एच जानते हो, कैपिटल एच की वैल्यू यहां पुट करो, इसका मतलब सैंपलिंग डेप्थ किससे रिलेटेड हो गई? रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग से रिलेटेड हो गई. क्या रिलेशनशिप है दोनों के अंदर? यहां पर भी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू? सैंपलिंग डेप्थ एच ई इज इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग. तो मैं पूरी प्रोसेस को क्लब कर रहा हूं. आई एम क्लबिंग द एंटायर प्रोसेस. फॉर एवरी वैल्यू ऑफ रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग हम कैपिटल एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हाइड्रोमीटर तो हमने ही बनाया. तो हर एक रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग के लिए हम कैपिटल एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. कैपिटल एच को मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो मुझे कैपिटल एच और किसमें रिलेशनशिप मिलेगी? एच ई में रिलेशनशिप मिलेगी. इसका मतलब मुझे किसमें रिलेशनशिप मिल गई? सैंपलिंग डेप्थ एच ई में रिलेशनशिप मिल गई और हाइड्रोमीटर रीडिंग में रिलेशनशिप मिल गई. और ये रिलेशनशिप कैसी होगी? ये रिलेशनशिप होगी इनवर्स. अगर मुझे आपको ये रिलेशनशिप बतानी है, मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं ये रिलेशनशिप आपको तीन तरीकों से बता सकता हूँ. पहला तरीका, एक इक्वेशन दे दूं मैथमेटिकल फॉर्म. दूसरा तरीका, मैं आपको टेबल बना के दे दूं टेबुलर फॉर्म. तीसरा तरीका, मैं आपको कर्व बना के दे दूं ग्राफिकल फॉर्म. तो मैं आपको ये रिलेशनशिप बता रहा हूँ ग्राफ के फॉर्म में. तो अगर हम ये सैंपलिंग डेप्थ एच ई और रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग में कर्व बनाए, ये कर्व कुछ इस तरीके से निकल के आता है. This is the value of the curve which is being observed. तो जैसे जैसे reduced hydrometer reading बढ़ती जाएगी, तो reduced hydrometer reading 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampling depth की value क्या करती जा रही है? कम होती चली जा रही है. The value of sampling depth is reducing. तो ये curve हम कैसे बनाते हैं? ये curve हम बनाते हैं calibration के result को plot करके. तो जब हम calibration करते हैं, ये हमारी calibration थी. This was our calibration. ये हमने calibration कर रखी है. So this is our calibration. बस इस कैलिब्रेशन के रिजल्ट को मैंने बताया कैसे है? इस कैलिब्रेशन के रिजल्ट को मैंने आपको बता दिया है ग्राफिकली. और ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है. यू विल फाइंड द कर्व टू बी समवॉट लाइक दिस. क्लियर है पूरी रिलेशनशिप? कोई साइड पॉइंट रिपीट करना उसमें से. तो हाउ टू कैलिब्रेट हाइड्रोमीटर विद सेडिमेंटेशन जार, उसका प्रोसेस है ये. इट्स प्रोसेस इज नोन टू अस. क्लियर है पूरी कहानी? अभी तक की कहानी में कोई सा ही पॉइंट रिपीट कर रहा हूं आगे बढ़ने से पहले. बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस?
क्लियर है। अब मैं पूरी पिक्चर को क्लब कर रहा हूँ, पूरी पिक्चर को क्लब करते हैं, हम करते हैं क्या टेस्ट में, व्हाट डू वी डू इन दिस टेस्ट। मैं हाइड्रोमीटर को इंसर्ट करता हूँ जार के अंदर, जब मैं हाइड्रोमीटर को इंसर्ट करता हूँ जार के अंदर, मुझे क्या मिलता है हाइड्रोमीटर के ऊपर, जब हम इंसर्ट करते हैं हाइड्रोमीटर को जार के अंदर, हमें हाइड्रोमीटर पे क्या मिलता है, जब हम हाइड्रोमीटर को इंसर्ट करते हैं जार के अंदर, हमें हाइड्रोमीटर के ऊपर क्या मिलती है, व्हेन वी इंसर्ट दी हाइड्रोमीटर इनटू दी जार, व्हाट वी विल ऑब्टेन फ्रॉम दी हाइड्रोमीटर, विल गेट रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग। उस रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग के करस्पॉन्डिंग हमें क्या पता चल गई, ये कर्व मुझे उस रिड्यूस हाइड्रोमीटर के करस्पॉन्डिंग क्या बता देगा। बिल्कुल सही बात है, आरएच मिल गई, तो उस आरएच के करस्पॉन्डिंग हम इस कर्व से क्या पढ़ लेंगे, इस आरएच के करस्पॉन्डिंग हम इस कर्व से क्या पढ़ लेंगे, सैंपलिंग डेप्थ एच ही पढ़ लेंगे, ये हमने पहले से कैलिब्रेट कर रखा है, दिस कैलिब्रेशन इज डन। क्लियर है चीज। आपने हाइड्रोमीटर को, अरे डेंसिटी नहीं आती राजीव सिंह, एच ही आता है, रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग आती है, और रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग के करस्पॉन्डिंग फ्रॉम द हेल्प ऑफ दिस कर्व वील टेक द वैल्यू ऑफ सैंपलिंग डेप्थ एच ही। क्लियर है। अब हाइड्रोमीटर आपने इंसर्ट किया है सैंपल के अंदर, कितने टाइम बाद इंसर्ट किया, वो टाइम भी आपको पता है, आफ्टर हाउ मच टाइम दिस हाइड्रोमीटर इज इंसर्टेड इनटू द सैंपल दैट इज बीइंग नोन टू अस, तो टाइम भी पता है, सैंपलिंग डेप्थ एच ही भी आ गई। क्या पार्टिकल का साइज निकाल सकते हो जो एच ही डिस्टेंस चल गया टाइम टी से, क्या पार्टिकल का साइज निकाल सकते हो जो एच ही डिस्टेंस चल गया टाइम टी में, ये कल भी बताया था पिपेट के अंदर। तो पहली चीज हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं द साइज ऑफ द पार्टिकल, द साइज ऑफ द पार्टिकल दैट सेटल्स इन सस्पेंशन, द साइज ऑफ द पार्टिकल दैट सेटल्स इन सस्पेंशन अप टू सैंपलिंग डेप्थ एच ई, अप टू सैंपलिंग डेप्थ एच ई, अप टू सैंपलिंग डेप्थ एच ई, अप टू सैंपलिंग डेप्थ एच ई इन टाइम टी, अप टू सैंपलिंग डेप्थ एच ई इन टाइम टी, इन टाइम टी इज गिवन बाय। तो पार्टिकल की साइज हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग स्टोक्स लॉ। तो कितनी कितनी वेलोसिटी हुई पार्टिकल की जिसने एच ई दूरी चली टाइम टी के अंदर, तो सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू एच ई बाई टी, इसी को हम स्टोक्स लॉ से रेफर कर लेंगे, जी माइनस वन गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर बाय 18 म्यू। तो पार्टिकल का साइज क्या आ गया, के स्क्वायर रूट ऑफ एच ई बाई टी, सेम एक्सप्रेशन कल बताया था, यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 18 म्यू जी माइनस वन इंटू गामा डब्ल्यू। इसका मतलब टेस्ट में हम करते क्या है, टेस्ट में हम हाइड्रोमीटर को अलग अलग टाइम पे सस्पेंशन में इंसर्ट करते हैं, टेस्ट में हम अलग अलग टाइम पे हाइड्रोमीटर को सस्पेंशन में इंसर्ट करते हैं, टाइम मुझे पता है, सस्पेंशन में जब हाइड्रोमीटर इंसर्ट करते हैं हाइड्रोमीटर रीडिंग आती है इसके ऊपर, हाइड्रोमीटर रीडिंग के करस्पॉन्डिंग मैं चार्ट देख के सैंपलिंग डेप्थ निकाल लेता हूँ, उस सैंपलिंग डेप्थ को इस एक्सप्रेशन में पुट करता हूँ, मुझे क्या मिल जाता है, मुझे डी की वैल्यू मिल जाती है, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ डी यानी साइज ऑफ द पार्टिकल जो सेटल हो गया एच ई डिस्टेंस से इन टाइम टी। कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से अभी तक, एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, कोई सा पॉइंट रिपीट करनी हो किसी के लिए, क्लियर है। अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए होती है यहां पे, व्हाट द सेकंड थिंग रिक्वायर्ड, हर साइज के करस्पॉन्डिंग क्या चाहिए हमें, फॉर एवरी साइज ऑफ द पार्टिकल व्हाट इज नोन, व्हाट शुड बी नोन टू अस, हर एक पार्टिकल साइज के करस्पॉन्डिंग हमें दूसरी चीज क्या निकालनी पड़ती है, हमें निकालना पड़ता है परसेंटेज फाइनर। और अभी मैंने शुरू में डिस्कस किया था पिपेट मेथड में परसेंटेज फाइनर निकालते हैं हम डायरेक्टली, हाइड्रोमीटर मेथड में हम परसेंटेज फाइनर निकालते हैं इनडायरेक्टली, कैसे, बाय नोटिंग द डेंसिटी ऑफ द सस्पेंशन। तो मुझे हर साइज ऑफ पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग, हर साइज ऑफ पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग क्या निकालना है, परसेंटेज फाइनर निकालना है, फॉर एवरी साइज ऑफ द पार्टिकल आई विल रिक्वायर परसेंटेज फाइनर। अब वो परसेंटेज फाइनर कैसे निकाला जाता है उसकी थ्योरी बताता हूँ, तो वो इनडायरेक्टली निकालते हैं कैसे, तो फर्स्ट पॉइंट सेज परसेंटेज फाइनर करस्पॉन्डिंग टू नोटेड साइज ऑफ द पार्टिकल डी इज कंप्यूटेड, टू नोटेड साइज ऑफ द पार्टिकल डी इज कंप्यूटेड इनडायरेक्टली,
इज कंप्यूटेड इनडायरेक्टली बाय नोटिंग द डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन। अब ये जो मुझे परसेंटेज फाइनल निकालना है करस्पॉन्डिंग टू अ साइज ऑफ पार्टिकल डी इज नोटेड कंप्यूटली बाय इज नोटेड इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन। कैसे इनडायरेक्टली निकालते हैं? अब इसमें मैथमेटिकल एनालिसिस है। क्या मैथमेटिकल एनालिसिस है उसको समझते हैं। लेट अस सपोज ये हमारा सॉइल सस्पेंशन है। सॉइल सस्पेंशन में कौन कौन है? सॉइल सस्पेंशन में वाटर भी है और सॉइल सस्पेंशन में सॉइल का सॉलिड भी है। तो सॉलिड और पानी मिलके क्या बना रहा है? सॉइल सस्पेंशन बना रहा है। तो सॉलिड है और पानी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉइल सस्पेंशन बोलते हैं। लेट अस सपोज सॉइल सस्पेंशन का वॉल्यूम है 1 ml। सो लेट अस सपोज ये सॉइल सस्पेंशन है, इसका वॉल्यूम है 1 ml। सो दिस इज अवर सॉइल सस्पेंशन। सो दिस इज अवर सॉइल सस्पेंशन। ये सॉइल सस्पेंशन है, इसकी वॉल्यूम मैंने कंसीडर कर ली 1 ml। ये 1 ml का वॉल्यूम पोजेस करता है। तो सॉइल सस्पेंशन इज 1 ml। तो पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने? लेट MD बी द मास ऑफ सॉलिड। सो MD बी द मास ऑफ सॉलिड present in soil suspension at sampling depth he at time t। चले दो, एक पूरी कहानी क्या है। मैंने मैथमेटिकली माना कि 1 ml के सॉइल सस्पेंशन में जो सॉलिड का मास है वो MD है। किस पे? सैंपलिंग डेप्थ HE पे। कितने टाइम पे? टाइम T पे। और ये सैंपलिंग डेप्थ मेरी चेंज होती जा रही है टाइम के साथ, और उसको मैंने कैलिब्रेट कर रखा है RH के साथ। तो मुझे टाइम T भी पता है, मुझे सैंपलिंग डेप्थ HE भी पता है, पर जो मास ऑफ सॉलिड है 1 ml सस्पेंशन में उसको मैं मैथमेटिकली एनालाइज कर रहा हूं। अगर मास ऑफ सॉलिड MD है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हुआ? सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सो डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड। डेंसिटी ऑफ सॉलिड कैसे निकालूं? विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो आई विल से मास ऑफ द सॉलिड डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। सो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1 g/cm³। तो हम बोलते हैं इट इज मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गया। अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन पता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा? सो आई विल से वॉल्यूम ऑफ वाटर दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन। सो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो सस्पेंशन का वॉल्यूम है 1 ml का, सॉलिड का वॉल्यूम पता चल गया मुझे इसके अंदर। घटा के क्या निकाल लो? पानी का वॉल्यूम निकाल लो। तो पानी का वॉल्यूम क्या होगा? 1 - MD/g। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर पता है तो मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी? 1 g/cm³। इसका मतलब ये कितना आ गया? 1 - MD/g। ये मास आ गया। मुझे पानी का मास पता है, मुझे सॉलिड का मास पता है, तो सस्पेंशन का मास निकाल सकते हैं। सस्पेंशन का मास कितना होगा? सो मास ऑफ सॉइल सस्पेंशन, सो मास ऑफ सॉइल सस्पेंशन विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ वाटर मास ऑफ सॉलिड कितना है हमारा? MD। मास ऑफ वाटर कितना है? 1 - MD/g। तो मास ऑफ सॉइल सस्पेंशन कितना आ गया? सो मास ऑफ सॉइल सस्पेंशन आ गया, मास ऑफ सॉइल सस्पेंशन विल बी इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ सॉइल सस्पेंशन आ गई हमारी MD 1 - 1/g + 1। ये आ रही है MD - 1/g + 1। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? ये हमारा मास ऑफ सॉइल सस्पेंशन आ गया। अगर मास ऑफ सॉइल सस्पेंशन पता है तो हम डेंसिटी निकाल सकते हैं सॉइल सस्पेंशन की। सो डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन, विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉइल सस्पेंशन। सो मास ऑफ सॉइल सस्पेंशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन वाज 1 ml। तो ये डेंसिटी निकल के आ गई सॉइल सस्पेंशन की। दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन। अब मुझे बताओ हाइड्रोमीटर हमें क्या नोट करके देता है? जब हम हाइड्रोमीटर को इंसर्ट करते हैं सस्पेंशन के अंदर, वो हमें क्या नोट करके देता है? ये हमारी पहली रिलेशनशिप है। दिस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप।
जब हम हाइड्रोमीटर को इंसर्ट करते हैं सॉइल सस्पेंशन में, वो हमें क्या नोट करके देता है? इट गिव्स द वैल्यू ऑफ व्हाट? जब हाइड्रोमीटर को इंसर्ट करते हैं वो देता है रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग, और रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? डेंसिटी। क्या रिलेशनशिप है इसके अंदर? तो डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन इज ऑल्सो इक्वल टू 1 + Rh/1000। ये हमारी दूसरी रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब हाइड्रोमीटर ने जो मुझे डेंसिटी बताई वो मैथमेटिकली इक्वेशन 1 के बराबर आनी चाहिए। तो ये रीडिंग मुझे हाइड्रोमीटर ने बताई, ये मैंने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया, दोनों बराबर होने चाहिए, तो दोनों को बराबर कर दिया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट कंक्लूजन इज ड्रॉन? फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से 1 + Rh/1000 दिस इज इक्वल टू MD × 1 - 1/G + 1। ये तो कैंसिल आउट हो गया, MD की वैल्यू निकल के आ गई। सो MD इज इक्वल टू G/G-1, तो G/G-1 × Rh/1000। तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? आपने मास ऑफ सॉलिड इन सॉइल सस्पेंशन ऑफ 1 ml एट सैंपलिंग डेप्थ ऑफ HE एट टाइम t कैलकुलेट कर लिया। जैसे ही ये मास ऑफ सॉलिड आ गया हमारे पास, हमें परसेंटेज फाइनल पता चल गई। कैसे परसेंटेज फाइनल कैसे निकालते हैं, ये कल भी बताया था आपको। हाउ टू फाइंड परसेंटेज फाइनल? तो परसेंटेज फाइनल इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड्स। सो मास ऑफ सॉलिड्स इन सॉइल सस्पेंशन, तो मास ऑफ सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन एट सैंपलिंग डेप्थ एच ई एंड टाइम टी डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉलिड। So divide by total mass of solid per unit volume of suspension initially। ये हमें क्या बताता है? परसेंटेज फाइनल बताता है। तो आपको मास ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन एट सैम्पलिंग डेप्थ एच ई एट टाइम टी तो कैलकुलेट कर लिया। कितनी है इसकी वैल्यू? इट्स वैल्यू इज हाउ मच? इट्स वैल्यू इज इक्वल टू G/G-1 × Rh। So into Rh divided by 1000। शुरुआत में आपने कितना मास लिया था? What was the total mass being taken? तो शुरुआत में हमने कितना मास लिया था टोटल? शुरुआत में हमने मास लिया था MD। वॉल्यूम कितनी थी हमारी टोटल? What was the total volume taken? टोटल वॉल्यूम लिया था हमने 1000। So total volume of suspension in hydrometer method was 1000। तो हम बोलेंगे G/G-1 × reduced hydrometer reading / 1000। टोटल मास ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय 1000 × 100। तो परसेंटेज फाइनल कितना आ गया? परसेंटेज फाइनल कम्स आउट टू बी G/G-1 × reduced hydrometer reading डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉलिड्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉलिड्स इनटू 100। दिस इज द वैल्यू ऑफ परसेंटेज फाइनल। ये वैल्यू है हमारे परसेंटेज फाइनल की। अब जाके हमारा पूरा टेस्ट खत्म हुआ हाइड्रोमीटर का। नाउ द एंटायर सिचुएशन ऑफ द एंटायर हाइड्रोमीटर इज फिनिश्ड। अब मैं आपको पूरे हाइड्रोमीटर टेस्ट की बॉटम लाइन बता रहा हूं। आई एम डिस्कसिंग द बॉटम लाइन ऑफ द एंटायर हाइड्रोमीटर टेस्ट। अब क्या है बॉटम लाइन पूरे हाइड्रोमीटर टेस्ट की? सॉइल सस्पेंशन उठाया, सस्पेंशन बनाया था हमने एक टाइम टी के बाद, टाइम टी में 5 मिनट, 5 मिनट बाद मैंने हाइड्रोमीटर को पानी में डाला। 5 मिनट बाद जब मैंने हाइड्रोमीटर को पानी में डाला, मेरे को रीडिंग किसकी मिली? मेरे को रीडिंग मिली हाइड्रोमीटर की, रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग, आरएच की वैल्यू मिली। जैसे ही मुझे आरएच की वैल्यू मिली, मैंने इस एक्सप्रेशन में पुट किया, मुझे क्या मिल गया? परसेंटेज फाइनल मिल गया। जैसे ही मुझे आरएच की रीडिंग मिली, मैंने इस एक्सप्रेशन में पुट किया, परसेंटेज फाइनल निकल के आ गई। अब उस आरएच की रीडिंग के करस्पॉन्डिंग मैंने पीछे कैलिब्रेशन कर रखी है, मैंने सैंपलिंग डेप्थ एच ही निकाली फ्रॉम द कर्व। इसका मुझे मतलब मुझे सैंपलिंग डेप्थ एच ही पता चल गई, टाइम टी मुझे पता ही था 5 मिनट। तो 5 मिनट में उस पार्टिकल की साइज जो एच ई डेप्थ पे सेटल हुई है वो मैंने स्टोक्स लॉ से निकाल लिया। इसका मतलब मुझे पार्टिकल की साइज भी पता चल गई, मुझे परसेंटेज फाइनल भी पता चल गया। तो मुझे एक रीडिंग मिल गई साइज की और परसेंटेज फाइनल की। यही चीज मैं अलग अलग टाइम पे रिपीट करता गया। अब मैंने इसको 10 मिनट बाद इंसर्ट किया, तो टाइम है 10 मिनट, मेरे को क्या मिलेगी? हाइड्रोमीटर रीडिंग मिलेगी। उस हाइड्रोमीटर रीडिंग को मैं डाल दूंगा एक्सप्रेशन में, परसेंटेज फाइनल आ गया।
हाइड्रोमीटर रीडिंग के करस्पॉन्डिंग सैंपलिंग पे अलग से निकाल दी, कर से एक्सप्रेशन में पुट किया, स्ट्रोक्स लो के मुझे डायमीटर मिल गया। इसका मतलब अलग अलग टाइम पे मुझे पार्टिकल की साइज भी मिलती जा रही है और मुझे परसेंटेज फाइनर भी मिलता जा रहा है। ये होता है हमारा हाइड्रोमीटर टेस्ट। तो हम हाइड्रोमीटर टेस्ट की मदद से भी सेडिमेंटेशन एनालिसिस कर सकते हैं। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट कर रहा हूं इस पूरी कहानी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी। क्लियर पूरी प्रोसेस? स्ट्रोक्स लॉ से पार्टिकल साइज कैसे निकालेंगे? ये लो, ये निकाला कि स्ट्रोक्स लॉ से पार्टिकल साइज, तो बाय परफॉर्मिंग दी स्ट्रोक्स लॉ वी फाइंड दी पार्टिकल साइज। स्ट्रोक्स लॉ ने हमें वेलोसिटी बताई पार्टिकल की, ये चीज हमने कैसे निकाल ली? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, दोनों को इक्वेट कर दिया, पार्टिकल साइज निकल के आ गई। ये चीज कल भी बताई थी आपको, दिस वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे आल्सो। अलग अलग पार्टिकल की डिफरेंट जी होगी, हाँ अलग अलग पार्टिकल की डिफरेंट जी होगी, पर वो जी थोड़ी पता होगी मुझे, दैट जी विल नॉट बी नोन टू अस। हर पार्टिकल की जी थोड़ी निकालूंगा मैं, तो जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली लेके चल देते हैं। वो आपको पहले चैप्टर में बता रखा है कि क्ले और सिल्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी निकल के आती है, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पार्ट। आवर एम इज टू फाइंड साइज एंड परसेंटेज फाइनर, हमारा एम है साइज निकालना, परसेंटेज फाइनर निकालना। तो सीव एनालिसिस में भी यही किया था, पिपेट में भी यही किया है, हाइड्रोमीटर में भी यही किया है, तीनों के एनालिसिस में हमने सेम चीज कर रखी है। क्लियर यहां तक की कहानी? रिपीट करना है कोई पॉइंट इसमें से? अब एनी ऑफ यू वांट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस? चलिए बाकी कल करने, फिर रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो। तो पार्टिकल साइज आ गया, परसेंटेज फाइनल आ गया, बाकी एनालिसिस कल करते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन।